गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत का चैप्टर सत्यम पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास एट। इसका नाम है एकलम बलम, यानी कि एकता में ही बल है, बुद्धि में ही बल है। यदि बुद्धि में बल और एकता में बल होता है तो छोटा सा छोटा जीव भी बड़े लोग को, बड़े जानवर को मार सकता है। तो इसके आप संस्कृत में बताएंगे और फिर उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो कच्चतम मणि निम्बम वृक्षे एका चक्ता युगलम प्रतिवस्ति सैम, यानी कि किसी वन में नीम के एक पेड़ था, वृक्ष पर चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। चिड़िया का जोड़ा यानी कि युगलम चक्का। समय चक्काया अंडानी दंतानी युगलम अति प्रसन्ननम आसीत, यानी कि उस समय चिड़िया ने अंडे दिए थे, उस वृक्ष पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो युगलम अति प्रसन्ननम आसीत, वो चिड़िया का जोड़ा बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने अंडे दिए थे, इस कारण वो प्रसन्न था। एक सन दिने अल्पः पीड़ितः एक मदमतः गजः अत्र आगतः, यानी कि एक दिन एक धूप से पीड़ित यानी कि एक मद मस्त हाथी वहाँ आ गया और उसने क्या करा कि मदेन स तस्य वृक्षसः ताम शाखा नाशयतवान यशा शाखाए चटकाया अंडानी आसन, यानी कि उसने उस वृक्ष की जो शाखाएं थी उसको तोड़ना नष्ट करना चालू कर दिया और अपनी सूंड से लेके वो शाखाओं को हिलाने लगा, पेड़ को हिलाने लगा। अतः अंडानी अपनी नष्टानी, और फिर वो जो चिड़िया के अंडे थे वो नष्ट हो गए क्योंकि अब इस पेड़ को हिलाएंगे तो घोंसला भी हिलेगा, घोंसला हिला तो चिड़िया के अंडे भी गिर गए नीचे, तो वो नीचे गिर के नष्ट हो गए। चटकाया गूगल कत्ता कंदनहम अरहुधरतः, यानी कि जो युगल था, जो चटका था, चटको जोड़ा था, चिड़िया का जोड़ा था, वो बहुत तेज से रुदन करने लगा यानी कि रोने लगा। कत्ता युगल का मतलब होता है बहुत तेज आवाज में रोना, तो रोने लगा। रुदनम श्रुतवा तयो मित्रम काष्ठभेदिकः पक्षी अगतः, और जब उसने देखा कि जो पक्षी है वो काट फोड़ा, वो उसका मित्र था और उसकी आवाज़ सुनकर, चिड़ियों की आवाज़ सुनकर वो उसके पास आ गया। स उक्तवान रुदनीयानम, रोने का उसका कारण पूछने लगा कि आखिर क्या कारण है, तुम इतनी तेज से क्यों रो रहे हो। तेन उक्तवान साई बुद्धिमान या मध्यम गत्ता चायना चिंतयन्ति, इतने तेज विलाप नहीं करो क्योंकि जो मरे और गए की चिंता नहीं करता। उसने कहा कि बुद्धिमान वही है जो मरे और गए की चिंता नहीं करता, इसलिए नहीं रो। चटकाया मम अवदत, चटकाया चिड़िया ने कहा ऐशा मदगतः हनयन्तहम अन्यतः ऐशा सर्वान पशु पक्षी पाद्याम नाशयन्ति ही, इनकी चिड़िया ने कहा इस मत वाले हाथी को मारना चाहिए, अन्यतः ये भी पशु पक्षी वृक्षों को नष्ट कर देगा। क्योंकि वो उस समय क्या कर रहा था, शाखाओं को हिला रहा था, खींच रहा था, इस कारण उसने कहा कि यदि ये वृक्ष को हिलाता रहा तो बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके जीव जो अंडे हैं वो नीचे गिरा देगा और पेड़ों को भी नुकसान पहुँचाता है। काष्ठम काष्ठ फोदक अवदत, काट फोड़ा बोला अहम सौमित्रम पक्षिकाम अयनामी कदाचितम सा गजा हंतुन उपाय चिंतयति, उसने कहा काठपोड़े ने कि मेरा एक मित्र है जो मक्खी है, मैं उसे इसका हाथी को मारने का उपाय पूछूंगा। उसने उसकी चिंता व्यक्त की, बताया कि मैं उसको बुलाता हूँ, कदाचित मैं मारने का कोई उपाय जरूर विचार करेगा। यानी कि हम जब अपने दोस्त से दोस्ती की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो दोस्त तो हो सकता है हमारे काम आ जाए, कोई उपाय वो कह दे। तो यहाँ पर भी उसने यही कहा। सगता मक्षी कहा नवीदितम यथा, उसने मक्खी को निवेदन किया कि मम चटकाया मित्रस्य गृहम एकलम मद गजेन्द्रम विनष्टम, यानी कि मेरी जो पक्षी मित्र है, जो मेरी चिड़िया मित्र है, उसका घर उन्होंने हाथी ने नष्ट कर दिया है और तस्य बाधाय सहायता करोगी, क्या तुम उसकी सहायता करोगी। मक्षिका अवदत, मक्खी बोली यत् मित्रम एव मित्रस्य कार्य साधति, मित्र का कार्य ही मित्र साधता।
करता है, मित्र का कार्य मित्र ही करता है और मित्र का कर्तव्य है कि हर मित्र के काम वो आए। मक्षिका तथा सह मित्रम चतुर्मंडुकम उपायम प्रश्नवंती। मक्खी जो बोली कि मेरा 100 मित्र है, यानी कि मेरा भी एक मित्र है, वो चतुर्मंडुकम यानी कि चतुर्मेंढक है और वो उससे उपाय पूछेगी, यानी कि उससे भी उपाय करेगी और पूरा विचार करने के बाद वो चिड़िया को जरूर बताएगी। मंडुक का उत्तर, ठीक है बताओ। मंडुक बोला क्या है? एक ही उगता दुर्लभ सफल हंतु हंतम शक्नुवन्ति, यानी कि उसने कहा कि कमजोर एक होकर सफल शत्रु को मारने में समर्थ हो सकते हैं, यानी कि सारे कमजोर मिल जाए तो एक शक्तिशाली को भी हरा सकते हैं। तेज सर्व मिल्यांति में योजना निश्चित सर्वशः दायित्व वितरण हित अनुसरा मध्या मक्षिकः गजस्यं कर्णो वीणावादिकम्। अब सबने मिलकर एक योजना बना ली कि किसको क्या करना है। मक्खी ने सबको एक एक काम दे दिया कि इसको ये काम करना है। उसी योजना के अनुसार सबने अपना अपना काम ले लिया। कैसे कि मक्षी ने कहा मक्षिका गजेंद्र गजस्य कर्णियो वीणावादिनम कृत्वा, यानी कि उसने कहा कि मैं हाथी के कान में वीणा वादन करूंगी। एतेन गजम नयनम निम्नम वीणा वादनम मधु अग्रत, और वो वीणा वादन करने लगे उसके गज के हाथ कान में, हाथी के कान में मक्खी जो थी वो वीणा वादन करने लगी, यानी कि उसका स्वर बहुत मधुर हो गया। और उसके बाद जब उसकी मधुर आवाज उसके हाथी के कान में पड़ी तो वो मग्ध हो गया, मुग्ध होकर वो वहां पर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। तभी तातम एक काष्टम फोदिवेदिकम तस्य नेने चंतु प्रहाणे वया नाशयन्तम अनंतरम यत्र महान पक्का आसी, यानी कि उसने क्या कहा, जैसे उसने हाथी ने आंखें बंद करी और उसने अपनी चंचु प्रभाव से उसके कान में नाक में आंखों में चोच मारना चालू कर दिया। उसकी ध्वनि कैसी थी, वो उधर उधर भागने लगा, लेकिन चतुर मेंढक ने मंडका ध्वनि ताम जलम पातु आकर्षित वान, यानी कि जो मेंढक था वो क्या था, चतुर था और उसने टर टर की आवाज निकालना चालू कर दी। अच्छा, यहाँ पानी होता है वही मेंढक भी होता है, यहाँ मेंढक होता है वहाँ पानी होता है, ये सब जानते हैं। ऐसे ही हाथी ने भी समझा कि हाँ मेंढक कहाँ बोल रहा है, यहाँ पानी है, इस कारण वो उसको टर टर करने लगा। अब जबकि वहाँ पर कीचड़ का दलदल बना हुआ था और उसमें वो मेंढक बैठ के टर टर कर रहा था, तो हाथी ने क्या समझा कि यहाँ पर पानी है, तो उसको पानी की तलाश में उधर उधर उसकी ध्वनि के साथ वो उसके पास तक पहुँचा। वहाँ पर क्या था, बहुत सारा कीचड़ था। ताम जलम पातुम आकर्षित, उसने देखा कि वहाँ पर पानी है, इस कारण वो वहाँ पर चला गया। अंधा गजहा तमीर पक्के पतितः मृत चह एव ते तीक्षण बुद्ध्याम एक सा मर्दा गजा मार दिया, यानी कि उसको तीर जो थी उसकी आंखों में जलन होने लगी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो पानी में भागने की कोशिश करने लगा। जैसे मेंढक ने टर टर करा तो मेंढक वहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर उसको पानी की शंका थी। वहाँ पर गया उसने तो कीचड़ में फंस गया और वो जब कीचड़ में फंस गया तो क्या हो गया, वो मर गया वहाँ पर। एक देव ईशा बुद्धियनाम एकलम सा मत गजहा मारती, फिर क्या करा उसने, अंधाधुंध उस कीचड़ में गिर कर मर गया। इस प्रकार उसकी उनकी तीव्र बुद्धि के कारण एकता द्वारा वह मतवाला हाथी मारा गया और आत्मनो बनन बनस्य च रक्षणम कृतम, फिर अपनी और बन की रक्षा की गई, यानी कि सबने अपनी भी रक्षा कर दी और बन की रक्षा भी कर दी। क्यों, क्योंकि तो बन के वो वृक्ष को वो तोड़ रहा था, इस कारण उसके जो घोंसले थे वो भी नीचे गिर रहे थे और बहुत सारे पक्षी परेशान हो रहे थे। जब पक्षी परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि से अपनी चतुराई से उस जगह को वहाँ से उसको हटा देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने दोस्तों की सहायता से अपने मित्र की सहायता से वो उस जगह को अपनी शांति का वातावरण बना देते हैं। ये तो आपका क्या था, हिंदी का अनुवाद था। संस्कृत में एक बलम है, यानी कि बुद्धि से बल को से जीता जा सकता है या किसी के ऊपर भी। और अब
हैं वो आपको लिखने हैं अपने नोटबुक में, आपको सब घट पूरे करना पड़ेंगे। अब आता है अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर। अब एक पदे उत्तरम लिखे, यानी कि एक पद में, एक पद आप जानते हैं संस्कृत में सिर्फ एक ही शब्द लिखा जाता है जिसमें हमें आंसर देना पड़ता है। तो इसका संस्कृत में भी है और हिंदी में भी अनुवाद आपको बता देते हैं। चटकार युगलम कुत्र प्रतिवस्ती सैम, यानी कि चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता है। निम्बम वृक्षा नीम के पेड़ पर रहता है। गजा का नाश्ती वान, हाथी ने किसको नष्ट किया था बताइए। उसने हाथी को किसने नष्ट किया था, अंडाली, अंडाली जो थे उसके अंडे थे उसको नष्ट किया था हाथी ने अपनी सूंड को हिलाकर। वृक्ष को हिला दिया था नीम के और वो सारी शाखाएं नीचे टूट गई थी, उसका घोंसला गिर गया था और अंडे भी नीचे गिर गए थे। तो अंडाली चटका युगलस्य रुदना श्रुतः का आगतः, चिड़ियों के जोड़े का रोना सुनकर कौन आया था। उसका दोस्त आए थे कि काष्ठ भेद कहा, यानी कि कठोरा आया था और उसने उनको चुप भी कराया था। कराया था कि कहने लगे कि रो नहीं, जो मरे हो गए हुए लोग उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। काष्ठ भेद कहा का अनियतवान, यानी कि कठोरा किसको लाया था, अपनी सहमित्र मक्षिका को लेकर आया था। तो आंसर में क्या आएगा, मक्षिका यानी मक्खी। क्वेश्चन है जलम पातुम गजहा का अकर्षक वान, यानी कि पानी पीने के लिए, जो पीने वाला पानी होता है ना, पानी पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया था। और हाथी जब आंख फूट गई थी हाथी की तो वो पानी की तरफ आकर्षित करना था ना उसको, तो किसने किया था, वो मेंढक ने किया था, यानी कि मंडुकम ने किया था। चतुरह मंडुकम ने उसको आकर्षित किया था टर-टर की आवाज देकर। तो ये तो थे आपके एक पद एक क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं एक बार के, एक पैटर्न का मतलब होता है एक लाइन में आपको आंसर देना है। और अब क्वेश्चन है बुद्धिमान का असी, यानी कि बुद्धिमान कौन है। या वृत्तम गतम जानना चिंतियंती सा बुद्धिमान अस्ति, जो मरे हुए और गए हुए को नहीं सोचता है वही बुद्धिमान होता है। ये किसने बोला था, काठफोड़े ने बोला था। मित्रस्य कार्य का साध्यन्ति, मित्र के कार्य को कौन पूरा करता है, मित्रस्य करता है, यानी मित्र के कार्य को पूरा करने के लिए मित्र की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, मित्रस्य कार्य मित्र साध्यन्ति, यानी कि मित्र का कार्य मित्र ही साधता है, पूरा करता है। मंडकः मक्षिकः किम् उपायं उक्तवान, यानी कि मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय कहा। एकी भूता दुर्लभः अपि सरलः शत्रुं हन्तु शक्नुवन्ति, मेंढक ने मक्खी से एक होकर दुर्लभ भी सबल शत्रु को मार सकते हैं, इस उपाय को कहा है। क्वेश्चन है मक्षिका गजस्य कर्णयोः किं कृतवती, मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया, क्या किया था उसने, आंसर में बताओ। कि मक्षिका गजस्य कर्णयोः वीणा वादनं कृतवती है, मक्खी ने हाथी के कान में वीणा वादन किया था। क्वेश्चन है ते मत गजा केन बले मारतः, उन्होंने मतवाली हाथी को किस शक्ति से मारा था। तो आंसर में आपके लिए ते मत गजा हाथी, यानी कि तीन बुद्धिमान बले मारतः, उन्होंने मतवाली हाथी को एकता की शक्ति से मारा था। जब एकता की शक्ति होती है हमारे पास संगठन होता है, ग्रुप होता है, तो हम क्या करते हैं कोई असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। तो यही उन्हें छोटे छोटे जो थे जीव, यानी कि मक्खी भी बहुत छोटी थी, मेंढक भी छोटा था, और मक्खी और पक्षी और कठोरा भी सारे बहुत छोटे छोटे जीव थे, इन्होंने सब ने अपनी तीव्र बुद्धि के कारण एकता को बल दिया और उसने इतने बड़े हाथी को मार गिराया। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो कि एक वाक्यन थे एक पदीन थे। अब आता है उचितम योजयन्तः, यानी कि जोड़ियों को मिलाना। जोड़ियों को कैसे मिलाएंगे आप, जैसे एक बलम होता है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा मत गजा मारेता, एकता के बल ने हाथ
हाथी को मार गिराया। बुद्धिमान कौन था? यंग तम मृत्युं च चिन्तयन्ति, बहुत अच्छे से कहा था उसने कठोरी ने, बुद्धिमान वही है जो गए और मरे को का विचार नहीं करता है। काष्ठ भेद कहा चंचु प्रहार, काष्ठ भेद कहा ने यानी कि कठोरी ने अपनी चोट से उस पर प्रहार किया था, उसके नेत्रों पर प्रहार किया था। मक्षी कहा वीणा वादनम, यानी कि मक्षी ने जो मक्खी है उसने वीणा वादन किया था, यानी कि उसने अपनी भिनभिनाहट की आवाज हाथी के कान में गुंजाई थी। चटका युगलम वो कौन था? कातार कृतनम, यानी कि वो बहुत तेज तेज रोने लगे थे, जो चिड़िया थी चिड़िया का जोड़ा था वो बहुत तेज तेज रोने लगा था। अब ये तो थे आपके उच्चतम योजना यानी कि उचित मिलान, जिसकी जोड़ियाँ बनाना थी आपको। अब आता है रिक्त स्थानी यानी कि रिक्त स्थानानि पूर्य, क्वेश्चन है आपका ये 4। अब इसको आपको रिक्त स्थान में पूरा करना है। जैसे फर्स्ट वाला है निम्न वृक्षे एका देश प्रतिवस्ती सह चटका युगलम, इसमें क्या आएगा? खाली स्थान में चटका युगलम आता है। सेकेंड वाला है चटका युगलम देश आर्धवतः, इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? कतार कुंदनम, यानी कि बहुत तेज तेज रो रहे थे दोनों। थर्ड है मक्षिका सामित्रम देश पृष्ठवंती, उसमें चंडका यानी कि मंडका उसका नाम है वो आना है। मक्षिका सामित्रम देश पृष्ठवंती, मक्षी का मित्र कौन है? मंडकम। मत गजहा देश पतितः पक्के, बीच में आएगा देश में। आखिर का है ते देश मत गजा मारते बनता, यानी कि एक बनम यानी कि सबने अपनी ताकत से गज को मार गिराया। ये तो आपने थे क्या रिक्त स्थानी पूर्य, यानी कि इसको आपने पूरा करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5। एकता विषय पंच वाक्यानी लिखे, अब आपको एकता के विषय में 5 वाक्य लिखना है, जो आप हमें लिख कर बता देते हैं बोर्ड पर, क्योंकि ये इसमें है नहीं है इसलिए आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए लिखती हूँ यहाँ पर। आपका फर्स्ट वाला वाक्य है एकम उद्देश्यम लक्ष्मी कृते बहुना बहुना गति है जनाना एकत्र भावेना एकता में भी बेटा काम कर दीजिए। इति उच्यते, इति उच्यते। अब यहाँ पर सेकंड वाला वाक्य लिखना पड़ेगा एकता मनुष्य शांतिनम, एकता मनुष्य शांतिनम वहां पर समाज समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाजो लोकस्य उन्नति पथम, यानी कि पथ पर
वर्मी दवा। चलिए पूरा शब्द लिखना पड़ेगा, ट्रैवल बनती है। अब आता है फोर्थ, अस्मिन् देशे, अस्मिन् देशे समाजे वा एकता अस्मि, अस्मित सा एक, सा एक दोनों अलग अलग शब्द हैं। सकल लोक सम्मानियो भवति, सकल लोक सम्मानीय भक्ति। और लास्ट फिफ्थ वाला है संसारी एकतया एकतया। आपको ये सारे उतारना है क्योंकि यहाँ पे पांच वाक्य जो है वो आपको पूरे पांच के पांच वाक्य आपको लिखना पड़ेंगे, क्योंकि जो हमें उसको जोड़ते हैं यानी उनको एकता को के विषय में ये सारे पांच वाक्य लिखे गए हैं, तो इनको आपको कॉपी में लिखना है। अतीव आवश्यकता, वर्तते वर्तते, ये तो आपके पूरे पांच वाक्य हो गए हैं जो आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो पाठे आगतः जीवनाः नमामि परस्परम संबंध चा लिखे, यानी कि पाठ में आए हुए जीवों के नाम और उनके संबंध आपस में क्या हैं आपको वो लिखना है का। तो उसके लिए वो भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाले सब हटा देंगे, चलिए जैसे नीचे लिख देते हैं। जैसे आया जीव नाम, जीव नाम ये वाला यहाँ पर खत्म होता है, इसलिए यहाँ हटा देते हैं। और फिर यहाँ पर आ रहा है परस्पर, परस पर संबंध, संबंध का सबसे पहले किसका नाम आता है, चक्का युगल, चक्का युगलम। पहले सारे नाम लिखो कौन कौन से हैं। सेकंड पर आता है गज, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से यहाँ पर मित्र हैं। काष्ट देवगह और फोर्थ है मक्षिका, मक्षिका और लास्ट में कौन था मंडका, मंडू। अब इनके बारे में हमें लिखना है, इनके परस्पर संबंध के बारे में हमें लिखना है। अब चटकला युगल में कौन था कि काष्ट वेदकस्य मित्रम दंपति, इसको हम लिख देंगे नर माता, नर और माता। ठीक है, यहाँ पर दूसरा अब याद रखें गजा का कौन दुश्मन था, उसका संबंध किससे था, चक्का युगल से, चक्का युगल से लस शत्रु, यानी कि वो उनके शत्रु थे। अब लास्ट क्या आता है मक्षिका, मक्षिका का कौन था, चक्का युगल, चक्का युगलस से, यानी कि आप उसको भी लिख दो मित्र, एक तो शत्रु था उनका और दूसरा उनका मित्र था, और लास्ट में मक्षिका। अब आते हैं मक्षिका को कौन था, काष्ट वेदकस से मित्रा, और सबसे लास्ट में थे मक्खी, इसको यहां पर लिखेंगे मक्षिकाएं
मित्र, वो उसकी मित्र थी। ऐसी ये वाला शब्द मंडूका का यहाँ पर लिख देते हैं हम उसका कि मंडूक, इसका मित्र कौन था यहाँ पर? मक्षिका। मक्षिकायाः मित्रम्। तो ये तो क्या थे, उसके परस्पर संबंध थे और उनके बारे में बताया गया है आपको। कहानी कैसी थी ये कि बल के साथ, जो बुद्धि के साथ बल का प्रयोग किया जाता है, तो मित्र मित्र की सहायता करता है उसको। छोटा भी कोई भी हो, कमजोर भी कोई हो, दुर्लभ भी कोई हो, वो बलवान को भी हरा सकता है, यानी कि ताकतवर को भी वो हरा सकता है। ऐसा इस कहानी में किसने बताया? हाथी, चिड़िया, पक्षी, कठफोड़ा, मक्खी और मेंढक ने। इन कहानी के आधार पर एकता के बारे में बताया गया है कि एकता में ही बल है। ये तो थी आपकी कहानी और इसके संबंध में जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपको बता दिए गए हैं। अब आपको इसको नोटबुक में लिख